6:30 और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और मैं बनाने जा रही हूँ चिकन। आज चिकन कैसे बनाते हैं, एकदम इजी भी है इसका, घर में डेली बनाने वाला चिकन। मैं आपको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। सो तुम मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग पूरा देखिए। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी प्याज दे दी है, प्याज में कट कर दूँगी। और मैंने थोड़ी सी यहाँ अदरक और लहसुन मैंने ले ली है। अब इन सबको मैं अच्छे से कट कर लेती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ हमारी प्याज मैंने कट कर ली है। वैसे मैं ये बता दूँ कि मैं ज़्यादा कुछ इसमें डालने वाली नहीं हूँ, कि मैं सिंपल सा डेली खाना बनाने में, जिससे लोग सोचते हैं कि डेली मैं ज़्यादा मसाला कैसे खाऊँ कैसे बनाऊँ, तो ये डेली सिंपल से सिंपल वाला सलाद बनाऊँगी चिकन का। अभी मैं इसे आपको बनाकर दिखाती हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मुर्गी को अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से धोना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे लहसुन छीन लिए हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक भी का पेस्ट भी बना लिया है। अभी मैं इसमें डालूँगी मसाले। यहाँ पे मैं लाल मिर्च ले रही हूँ। नमक, खड़ा नमक ले ले रही हूँ स्वाद अनुसार। तेल हो चुका है, अब मैं इसमें हमारी प्याज हो रही है। देखिए कि यहाँ पर हमने साफ तैयार करके रख लिया है, अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, देखिए कि यहाँ पर हमने चावल भी चढ़ा दिया है, ताकि जल्दी जल्दी हमारा खाना रेडी हो जाए तो हम काम कर सकें। अब यहाँ मुर्गी पे आ जाती है, जिनकी मुर्गी को हमने धुल कर रख दिया है। अब मैं बर्तन लेती हूँ, मुर्गी को अच्छे से थोड़े से तेल डालकर उसको फ्राई करेंगे। जैसे कि मैंने कहा है, ज़्यादा तेल मसाला नहीं, तो हम इसमें थोड़ा ही तेल डालकर इसे फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। मैंने इसे चढ़ा दिया, थोड़ा सा तेल डाल, मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी। देख सकते हैं आप, थोड़ा ही तेल डाला है, इससे से हमारा चिकन फ्राई हो गया। पाँच मिनट तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो रहा है, और चिकन हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे, अच्छे से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। मैं जानना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ प्लीज़ गाइस। मतलब मैंने लोई बना ली है, लोई बनाने की तैयारी कर रही हूँ, रोटी बनाकर ये देखिए, यहाँ पे हमारा मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है। अब इसे हम थोड़ा तेज आँच करके अच्छे से।